फिर लगेगा अब विराम। क्या अब अपराधी अपराध करने से डरेंगे? क्योंकि पारित हो गया अब क्रिमिनल लॉ बिल। 150 साल पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली में हुआ बदलाव। नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पर चर्चा की। इस दौरान भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को मंजूरी मिल गई। शाह ने कहा कि भारतीय आत्मा से बनाए गए ये 3 कानून जब संसद से पारित हो जाएंगे तो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नया युग की शुरुआत होगी जो पूरी तरह से भारतीय होगी। पहली बार भारतीय आत्मा वाले इन 3 कानूनों के माध्यम से हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाई गई व्यवस्था से संचालित होगी। उन्होंने आगे कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम अभी भी यूके सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन कर रहे हैं। हम अभी भी हर मेजेस्टी, ब्रिटिश किंगडम, द क्राउन, बैरिस्टर जैसे अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करते हैं। अमित शाह ने इन 3 बिल से खासियतें गिनाई। गृह मंत्री ने कहा, पहली बार भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत के लोगों से संबंधित लगभग 150 साल पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली को नियंत्रित करने वाले 3 कानूनों में बदलाव किए गए हैं। इन कानूनों में अगले 100 वर्षों में होने वाले संभावित तकनीकी नवाचारों की कल्पना करके देश के न्यायिक प्रणाली को सुसज्जित करने के लिए सभी प्रावधान किए गए हैं। नए क्रिमिनल लॉ बिल के तहत अब रोड रेज या सड़क पर एक्सीडेंट करके फरार होने वाले लोग कानून से नहीं बच पाएंगे, उनके लिए सख्त और सटीक कानून आया है। केंद्र सरकार ने रोड एक्सीडेंट करके भागने वालों को अनिवार्य रूप से कानून के सामने लाने के लिए सख्त कानून बनाया है। इसके तहत रोड पर एक्सीडेंट करके फरार होने के जुर्म में 10 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर एक्सीडेंट करने वाला शख्स घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। इस कानून की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में दी है। 10 पॉइंट के जरिए आइए आपको बताते हैं कि क्या है न्यू क्रिमिनल बिल और हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है। पॉइंट 1, इन कानूनों से हमें FIR से लेकर कोर्ट के फैसले तक पूरी प्रतिक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और भारत अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीकी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इन कानूनों में 2027 तक 0 FIR, EFIR और देश भर के सभी मामलों के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने का भी प्रावधान किया गया है। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रतिक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन 3 कानूनों को 1957 के बाद स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों के शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के शासन की सुरक्षा करना था। इसमें कहीं भारत के नागरिक की सुरक्षा और उसके सम्मान और मानवाधिकार की सुरक्षा कहीं नहीं थी। लेकिन अब बदलाव के बाद आम नागरिकों को भी सम्मान और सुरक्षा मिल पाएगा। पॉइंट नंबर 4, वही आपको बताएं कि कानूनों के सिर्फ नाम ही नहीं बदलेंगे बल्कि उसके उद्देश्य में परिवर्तन भी किया जाएगा। जिन 3 बिलों का उद्देश्य सिर्फ दंड देने का ही नहीं बल्कि न्याय देने का भी है। पॉइंट नंबर 5, गृह मंत्री ने बताया कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता के खिलाफ जो कार्रवाई करेगा उसे देशद्रोही माना जाएगा और सरकार के बदले भारत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, शाह ने कहा कि हमने राजद्रोह के अंग्रेजी कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया है, अब शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है क्योंकि सभी को वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन देश के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो, देश के खिलाफ बोलोगे, देश के संसाधनों का नुकसान करोगे तो कठोर से कठोर सजा मिलेगी। अमित शाह ने आगे कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, सरकार के खिलाफ कोई कुछ भी बोल सकता है लेकिन देश के झंडे, सुरक्षा और संपत्ति से कोई खिलवाड़ करेगा तो सीधा जेल जाएगा।
पॉइंट नंबर 7, अमित शाह ने कहा कि अब हम डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थों, जहरीली गैस और परमाणु हथियारों का उपयोग के लिए बनाने, बेचने और उपयोग करने वालों को आतंकी कहा जाएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ, तो स्वराज का मतलब स्वशासन नहीं बल्कि स्वधर्म, स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वशासन की स्थापना करना है। 2014 से नरेंद्र मोदी ने देश की महान आत्मा को जगाया है, जिसमें आज भारत का उत्थान हो रहा है। स्वराज मतलब है जो धर्म को आगे बढ़ाए, और वही स्वराज जो स्वभाषा को आगे बढ़ाए वह स्वराज है। जो स्वराज संस्कृति को आगे बढ़ाए वो स्वराज है। जो स्वशासन को आगे बढ़ाए वो स्वराज है। पॉइंट नंबर 9, वहीं आपको बताएं कि एक डायलॉग काफ़ी फेमस है, जब भी कोर्ट का नाम लिया जाता है तो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख याद आता है। तो इन कानूनों को पूरी तरह से लागू करने के बाद तारीख पर तारीख देने का चलन खत्म हो जाएगा और देश में एक ऐसी न्यायिक व्यवस्था स्थापित हो जाएगी जो 3 साल के भीतर न्याय देगी। इन विधेयकों को संसद से पारित होने के बाद हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था 19वीं सदी को छोड़कर 2 सदी का सफर तय कर सीधे 21वीं सदी में प्रवेश कर जाएगी। वहीं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 10, अमित शाह ने कहा कि हमने संगठित अपराध के लिए एक नई व्याख्या जोड़ी है। छोटे अपराध और पहली बार किए गए अपराधों के लिए जेल के बजाय सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पुलिस, वकील और कोर्ट के लिए समय सीमा तय कर न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। कानून को सदन में लाया जाता है, पारित किया जाता है, उसके बाद आरोपी अपराध करने से भी नहीं डरते हैं। क्या इस कानून के बनने के बाद आरोपी आरोप करने से डरेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव मेरे साथ, तब तक ले नमस्कार।